हेलो एवरीवन, मैं हूँ भारती। वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छी अच्छी स्टोरी सुन रहे होंगे और मुझे ही बता रहे होंगे। बहुत सारी स्टोरीज ऐसी हैं जो आप लोग मुझे बताते हो, और यहाँ तक कि कई सारी स्टोरीज तो ऐसी है जो आप लोग मुझे कई बार बता चुके हो, बट वही है, अगर स्टोरी की जो लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है तो उसे सुनने में टाइम लगता है, और ये भी चीज़ होती है कि फिर उनका उनकी वीडियो बनाने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो आप लोग को वेट करना पड़ेगा। अब आप लोग को पता कैसे चलेगा कि मैंने वो स्टोरी सुन ली और वो वीडियो आ चुकी है? तो आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, तभी आप लोग को पता चलेगा कि वीडियो आ गई है या नहीं आई है, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोग को वीडियो के आते ही नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाए। तो इस वीडियो में आप लोगों के साथ पॉकेट एफएम की टॉप 3 रोमांटिक स्टोरीज के बारे में बात करने वाली हूँ। आप लोगों को एक छोटी सी लिस्ट प्रोवाइड करने वाली हूँ। पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी टॉप 3 रोमांटिक स्टोरीज की, वो मैंने आप लोगों को बताई थी, और आप लोगों ने बोला था कि इनसे अलग जो और अच्छी हैं उनके बारे में भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं। तो फाइनली अब ऐसा है कि मैंने बहुत ही ज्यादा रोमांटिक स्टोरीज जो है वो सुन ली है, मतलब अच्छी खासे नंबर्स में मैंने सुन ली है पॉकेट एफएम की रोमांटिक स्टोरीज। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सुनने के बाद ये हो जाता है कि यार हाँ, ये वाली ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि अब इतनी सारी सुनने के बाद फिर उनमें से टॉप 3 पिक करना ये तो काफ़ी अलग ही चीज़ हो जाती है कि नहीं है। और ये जो मैं आप लोगों को स्टोरीज टॉप 3 करके बताती हूँ, ये ऐसी स्टोरीज होती हैं जो आप लोगों को डेफिनेटली पसंद आएंगी, और क्योंकि ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है तो मैं आप लोगों को भी बता देती हूँ, ठीक है? तो इसमें मैं आप लोगों के साथ पॉकेट एफएम की टॉप 3 स्टोरीज के बारे में बात करने वाली हूँ। बाकी जो लिंक्स वगैरह होंगे और जो डिटेल्स होंगी वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से जाके आप लोग स्टोरी को देख लीजिएगा और सुन लीजिएगा, ठीक है? तो मैं इसमें डिटेल में बात नहीं करने वाली हूँ, कोई रिव्यू वीडियो नहीं होने वाली है, बल्कि एक लिस्ट वाली वीडियो होने वाली जिसमें मैं आप लोगों को टॉप 3 रोमांटिक स्टोरीज बताऊंगी, उनसे अलग जो मैंने पहली वीडियोज में बताई थी, यानी कि जो सबसे फर्स्ट वीडियो थी रोमांटिक स्टोरीज वाली, उसमें जो बताई थी उनसे अलग, ठीक है? तो जो फर्स्ट स्टोरी है वो है डार्लिंग आई एम बैक, ठीक है? और ये जो स्टोरी है ये कंप्लीट हो चुकी है, और इसकी जो ऑथर है वो है सहर फातिमा, और इसके जो एपिसोड्स हैं वो 124 है। ज़्यादा लंबी स्टोरी नहीं है, आप लोगों को बोर नहीं लगेगा। वॉइस आर्टिस्ट जो है वो है दीपिका। इसकी जो रेटिंग है वो भी अच्छी खासी है, 4.6 है इसकी रेटिंग। और ये वाली स्टोरी जो है ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मैंने इसको कई बार सुन लिया है, मतलब कई बार तो क्या ही बताऊँ, मतलब कोई गिनती नहीं है। जैसे ही कई बार ऐसा होता है कि हम कोई स्टोरी सुन रहे होते हैं और फिर बीच में हमारा मूड सा बिगड़ जाता है, हम नहीं सुनना पसंद करते या फिर बोर फील करते हैं, तो हमें जो पसंद होती है हम वो चला लेते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये जो स्टोरी है ये ज़्यादा लंबी नहीं है, ऐसा नहीं है कि 300-400 एपिसोड है या फिर 1000 एपिसोड है, नहीं, बहुत कम है। तो आप लोग जाके इसे एक ही बारी में सुन के ख़त्म कर सकते हैं, एक ही बारी में, इन द सेंस कि आप लोगों को कोई वेट नहीं करना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इतने ज़्यादा एपिसोड्स भी नहीं है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम लगे। अब आप लोगों के ऊपर है, आप लोग कितना टाइम देते हो फिर उसके बाद स्टोरी को कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है? तो ये भी एक बिजनेसमैन वाली स्टोरी होने वाली है, और कैसे वो उनसे बदला लेने आती है, कुछ इस तरीके की ये कहानी है। आप लोग देख के डिस्क्रिप्शन को पढ़ के अगर आप लोगों को पसंद आती है तो आप लोग जाके इसे सुन सकते हैं, ठीक है? तो जो नेक्स्ट स्टोरी है उसका नाम है अरेंज वाला लव। ये भी जो स्टोरी है ये कंप्लीट हो चुकी है, और जो इसके ऑथर है वो है ब्रजेश कुमार, ठीक है? बाकी जो इसके आरजे हैं यानी वॉइस आर्टिस्ट हैं वो है आरजे अनु, और जैसा कि मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ कि ये जो स्टोरी है कंप्लीट हो ही चुकी है, और जो इसके एपिसोड्स हैं वो है 296, और इसकी जो पॉकेट एफएम पर रेटिंग है वो है 4.3, ठीक है? ये वाली जो स्टोरी है ना ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। इसमें ना आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलेंगे। पहली स्टोरी में जिस तरीके से एक कपल पर फोकस था, यहाँ पर आप लोगों को 2 से 3 मे भी 3 से भी ज़्यादा कपल्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे और चीज़ें समझने को मिलेंगी। तो ये थोड़ी सी लंबी है बट परफेक्ट स्टोरी है, आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सिखाएगी, बताएगी सिचुएशंस के बारे में किस तरीके से क्या रिएक्ट करना है, क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ये सारी स्टोरीज ना ऐसी हैं कि मतलब आप लोगों को ना कुछ ज़रूर सिखाएंगी, ठीक है? और सबसे बड़ी चीज़ कि आप लोगों को कोई वेट नहीं करना है, ये स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है, और इसमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें दिखाई जाती हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर बिजनेसमैन वाली स्टोरीज होती हैं तो कुछ ना कुछ टैक्टिक्स होती हैं, और कई बार क्या होता है कि हम लोग को उनसे कोई अच्छे अच्छे आइडियाज़ भी मिल जाते हैं सुनने के बाद। तो यही वाली चीज़ें हैं। बाकी ये जो मैं आप लोगों को स्टोरीज बता रही हूँ, अगर आप लोगों ने नहीं सुना है तो जाके ज़रूर सुनना, मैं आप लोगों को कह रही हूँ बहुत अच्छी स्टोरीज हैं, आप लोग रिग्रेट नहीं करोगे सुनने के बाद, ठीक है? तो जो नेक्स्ट और लास्ट स्टोरी है उसका नाम है ट्रूली डीपली मैडली, ठीक है? इसका रिव्यू अभी मैंने तो कुछ दिन पहले ही आप लोगों के साथ शेयर किया था, हालांकि ये जो तीनों स्टोरीज हैं इनके रिव्यू जो है मैं शेयर कर चुकी हूँ ऑलरेडी आप लोगों के साथ, उनके लिंक्स भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, वहां से जाके आप लोग देख लीजिएगा कि कैसी स्टोरी है या फिर किस तरीके की जो मतलब इसमें किस तरीके से चीज़ें हुई हैं या फिर क्या क्या कैरेक्टर्स हैं या और भी बहुत सारी चीज़ें। तो आप लोग रिव्यू वाली वीडियो को देख लीजिएगा, लिंक्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है? तो जिसकी रेटिंग है वो है 4.3, और ये जो स्टोरी है ये कंप्लीट हो चुकी है, और ये थोड़ी ज़्यादा ही लंबी है, इसके एपिसोड जो है वो 874 है। तो इसलिए मैंने इसको एंड में रखा है क्योंकि स्टार्ट एकदम कम से हुई, फिर थोड़ा सा बढ़ गया, और फिर इसमें सबसे ज़्यादा एपिसोड। तो बट यही है कि स्टोरी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, सबसे बड़ी बात ये है। हालांकि आप लोगों ने मुझे कमेंट में कहा कि कुछ हिस्से ऐसे थे जो इनकम्प्लीट रह गए, तो पर कोई बात नहीं, अब ये है कि यार हो जाता है, ठीक है? बट एक कैरेक्टर की वजह से हम पूरी स्टोरी को तो ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ रह गई, ठीक है?
तो अब आप लोग के ऊपर है कितना ज़्यादा आप लोग इस चीज़ को समझते हो या फिर इसके बारे में सोचना चाहते हो। ठीक है, वैसे तो स्टोरी अच्छी है, आप लोग जाके सुनोगे तो आप लोग को खुद सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। बस यही है कि स्टोरी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी, तो ये चीज़ थोड़ी सी हो जाती है क्योंकि मिड में आने के बाद आप थोड़ा बोर सा फील करते हो, एंड में आते आते तो शायद आप लोग बीच में उसे छोड़ भी देते हो। तो अब आप लोगों के ऊपर है कि आप लोगों को सुननी है या नहीं सुननी है, बट अच्छी स्टोरी है तो आप लोग जाके सुन लीजिएगा। बाकी इसकी जो रेटिंग है वो 4.3 और ये स्टोरी जो है कंप्लीट हो चुकी है। बाकी जिसकी ऑथर है वो है कहानीबाज आर, जो वॉइस आर्टिस्ट है वो है रिवांश। ठीक है, और अब मैं स्टोरी के बारे में और ज़्यादा क्या ही कह सकती हूँ, है ना। तो ये थी एक छोटी सी लिस्ट, और ये आप लोग मुझसे काफ़ी टाइम से पूछ रहे थे कि कोई स्टोरीज ऐसी बताओ जो रोमांटिक स्टोरीज हो और अच्छी हो, तो इसलिए मैंने टॉप 3 फिर से निकाली इतनी सारी सुनने के बाद। आप लोग सोचो कि मैंने पूरी लिस्ट खोली यहाँ तक कि फिर उसके बाद मैंने इनको पिक किया, वो भी ये याद करते हुए कि किस में क्या चीज़ ज़्यादा अच्छी है, क्यों, क्या रीजंस हैं इन स्टोरीज़ को पिक करने के, और आप लोग कितना क्या चीज़ों से सीख सकते हो। ठीक है, तो इसी जजमेंट के हिसाब से मैंने ये 3 जो स्टोरीज़ हैं इन्हें पिक किया था। अब आप लोगों के ऊपर है, कई सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने इनको सुन लिया होगा, तो आप लोगों को मैं आगे और स्टोरीज भी बता दूंगी। अभी कई सारी स्टोरीज ऐसी हैं जो डेली आ भी रही हैं, कुछ डिफरेंट भी है, हालांकि मुझसे ज़्यादा तो आप लोगों ने सुन लिया, तो आप लोग मुझे बताते हो स्टोरीज के बारे में। ठीक है, मैं तो बस उनका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो बस यही है कि आप लोगों को फिर भी अच्छा लगता है, तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियोज़ को इतना ज़्यादा पसंद करने के लिए। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। बाकी जो लिंक्स वगैरह होंगे वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बाकी आप लोगों का जो भी ओपिनियंस है स्टोरीज को लेकर प्लस मेरी वीडियो को लेकर, वो मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। फिर भी अगर आप लोगों के कोई डाउट्स वगैरह होते हैं तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर मुझे मेरी इंस्टाग्राम आईडी भारती2190 98 पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। तो अगर आप लोग मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं आप किसी फेवरेट स्टोरी, नॉवल, बुक या फिर ऐप का मैं रिव्यू शेयर करूं, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जितनी जल्दी हो सकेगा मैं उस पर वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊंगी। बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है, तब तक के लिए बाय, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।